कार्ड देखिए डाउनलोड होके आ गया। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा रोल नंबर दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित परीक्षा 23-24 का एडमिट कार्ड है आपका दोस्तों। आपका यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, यहाँ पे क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और देखिए दोस्तों कैंडिडेट नाम दिया गया है, फादर नेम आप मिला लीजिए अपना, और आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, एग्जाम सेंटर आपको एग्जाम कहाँ पे होगा। देखिए दोस्तों कहाँ पे है, नगर पालिका इंटर कॉलेज जौनपुर। तो आप अपना देख सकते हैं कि सेंटर कहाँ पे है, और स्कूल का नाम देखिए दोस्तों दिया गया ऊपर, स्कूल जहाँ से बच्चा जहाँ जिस स्कूल में पढ़ा है उसका नाम है। ठीक है, आपका कहाँ पे एग्जाम होगा वो सेंटर जो दिया गया है दोस्तों उसी पे आपको 13 तारीख को पहुँच जाना है सुबह। और कितने बजे से देखिए दोस्तों आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जाम डेट देखिए क्या है, एग्जाम डेट 13 नवंबर 2022 को। और कितने बजे से होगा दोस्तों, टाइम का दिया गया है 10 AM to 1 PM, मतलब 10 बजे से 1 बजे तक। समय मतलब कितना है दोस्तों आपके पास, 3 घंटा। ठीक है, 3 hours है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका निर्देश दिया गया है, लाभार्थी निर्देश। ठीक है, आप यह निर्देश को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए आप निर्देश को एक एक करके पढ़ सकते हैं, आपको क्या क्या ले जाना है परीक्षा में। तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर ले। मतलब दोस्तों आपका एग्जाम 10 बजे से है तो आपको लेटेस्ट 9:30 बजे तक, कितना 9:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, चलिए आगे और देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, आपका दिया है दोस्तों कैलकुलेटर, गणती टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडिनेशन परीक्षा कक्ष में लेकर नहीं आना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है, तीसरा दिया है परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी, परीक्षा जो है एक सत्र में 2 बार में आयोजित होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसमें से कितना प्रश्न होगा दोस्तों, 90 क्वेश्चन होगा। बहुविकल्पी जिसमें क्या होगा दोस्तों, रीजनिंग, 90 क्वेश्चन क्या है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब दोस्तों रीजनिंग होगा आपका 90 क्वेश्चन, पहला पेपर होगा। और दूसरे में देखिए दोस्तों क्या दिया गया, द्वितीय भाग क्या है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसमें से क्या है दोस्तों 90 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 90 बहुविकल्पी जिसमें से क्या दोस्तों 35 विज्ञान रहेगा, 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान रहेगा, साइंस एंड सोशल साइंस एंड 20 क्या होगा दोस्तों गणित मतलब मैथ रहेगा। ठीक है, 2 प्रश्न तत्व होगा दोस्तों 1.5 घंटे का। और देखिए चौथा क्या दिया गया दोस्तों, प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है, प्रथम भाग के लिए दोस्तों जो प्रथम भाग है उसमें आपको 90 मिनट दिया जाएगा, और जो विकलांग है उनको 120 मिनट। ठीक है, और द्वितीय भाग के लिए भी कितना है दोस्तों 90 मिनट। ठीक है, दोनों भाग के लिए 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन, के 5वां क्या दिया गया है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंक नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग दोस्तों आपकी नहीं है, एक प्रत्येक के लिए कितना अंक आपको दिया जाएगा, 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है निर्देश में, आगे देखिए क्या दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नामांक अनुक्रमांक को उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान पर लिखना है। क्या करना है दोस्तों, प्रवेश पत्र जो आपको दिया गया है वो अनुक्रमांक को क्या है, अनुक्रमांक को उसमें क्या करना है, जो आपको दिया जाएगा भरने के लिए जिसमें आप गोला करेंगे तो उसमें क्या करना है, अपना रोल नंबर भरना है। ठीक है, अनुक्रमांक। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया, 7वां, प्रश्न पत्र अथवा प्रश्न पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है, कहीं भी आपका नाम दोस्तों लिखना नहीं है। ठीक है, नाम को आपको कहीं भी नहीं लिखना है। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया, 8वां, देखिए उत्तर देने के केवल नीली या काली दोनों में से, चाहे नीली आप ले जा सकते हैं और काली भी ले जा सकते हैं, बाल पेन का प्रयोग करें, उत्तरों को प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करना है। बच्चों यहाँ पे आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ नीली और काली बाल पेन का ही प्रयोग करना है। आगे देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, 9वां, कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करना है। जो बच्चों आपके एग्जाम में जो टीचर रहेंगे
उनके द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसका पालन करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, दसवां देखिए क्या दिया है बच्चों, सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र में अपने प्रवेश पत्र के साथ अपना एक पहचान पत्र जैसा आधार कार्ड, क्या क्या है दोस्तों देखिए इसमें, आधार कार्ड, विद्यालय पहचान पत्र को ले आना अनिवार्य है। चाहे आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या विद्यालय पहचान पत्र ले जा सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में से आपको एक ले जाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ गया है।